सो फ्रेंड, बैक टू माई टू चैनल। आज हम जानेंगे कि अगर लैपटॉप का बैटरी ख़राब हो जाए तो उसमें कोई और बैटरी को इंस्टॉल कैसे करें। इसमें जो सबसे ये लास्ट वाला पिन है यहाँ पे, ये प्लस का होता है और ये होता है माइनस का। इसमें 11 से 12 वोल्ट के आसपास इसमें सप्लाई दिया जाता है। तो मैं जो कि यहाँ पे सोल्डिंग कर चुका हूँ, यहाँ पे प्लस में प्लस को और माइनस में माइनस को सोल्डिंग कर दिया हूँ और यहाँ पे एक सॉकेट लगा दिया हूँ। फिर एक बैटरी की लेना है जो कि 12 वोल्ट के आसपास आता है। ये आपको 800 से 850 में मिल जाएगा इस बैटरी को। और इसमें है जो कि इससे बैटरी को हम चार्ज करते हैं, ये है इसमें देते हैं तो ये को लैपटॉप है जो कि ऑन हो जाता है। देख सकते हैं ये बैटरी है, इसमें हम प्लग लगा दिए हैं, ये यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। इसको ऑन करने के लिए थोड़ा सा मैंने बिजली का ज़रूरत होता है, उसके बाद बिजली ऑफ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें। तो यहाँ पे इसको इस साइड कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं लैपटॉप को। इसका ये चार्जर है, ये इसमें एक बार के लिए हमको ऑन करने के लिए थोड़ा सा बिजली की ज़रूरत होता है, उसके बाद फिर आप चार्जर को हटा भी देंगे तो भी चलेगा। तो ये चार्जर का जो कोड है इसको प्लग इन करते हैं इसमें। इसको प्लग कर दिए, ऑन करते हैं, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वाइट कलर का लाइट है वो ग्लो हो चुका है। तो इसको हम ऑन कर देते हैं यहाँ से। ये है जो कि बूट हो चुका है। अब इसको हम प्लग को हटा देंगे तो भी ये बंद नहीं होगा, देख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का और बैटरी का उपयोग नहीं किया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये ऑन हो चुका है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा बैटरी का उपयोग नहीं किया हुआ है। ये बैटरी है जो कि 12 वोल्ट का है, जो ये बैटरी को चार्जिंग के लिए ये प्लग लगाए हैं इसमें, और ये है जो कि इसके लिए लगाया हुआ है, प्लग इन हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का बैटरी का उपयोग नहीं किया हुआ है, इससे ये डायरेक्ट चल रहा है। तो इस बैटरी का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से चाहे तो आप बाय कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी का यहाँ पे प्लग इन हुआ है और यहाँ पे ये ऑन हो चुका है। यहाँ पे ना ही कोई कनेक्शन है किसी प्रकार का, ना ही इसमें बैटरी लगा हुआ है, देखिए।